हेलो फ्रेंड्स, मैं शिवम निचयन आपका स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो यहाँ पर जो है इनकम टैक्स में रिफंड को लेकर है। इनकम टैक्स की जो आईटीआर प्रोसेसिंग है, अब यहाँ पर जो है उसको काफ़ी अलग अलग लेवल्स तक जो है प्रोसेस किया जा चुका है। मतलब यहाँ पर आईटीआर 1, 2, 3, 4 सबके जो है रिफंड आ चुके हैं। आप भी एक बार जो है इनकम टैक्स के ऑफिशियल वेबसाइट पर अपने लॉग इन करके अब चेक कर सकते हैं। ऐसा यहाँ पर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जो स्टेटिक्स है इसी पोर्टल पर www.incometax.gov.in, इस पर यहाँ पर ही अपडेट्स होते रहते हैं। तो अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे लेटेस्ट जो स्टेटिक्स हैं उसके हिसाब से यहाँ पर जो है 5 CR प्लस जो ITRs हैं वो अब यहाँ पर प्रोसेस हो चुकी हैं। ठीक है, पहले यहाँ पर जो फिगर थी वो धीरे धीरे यहाँ पर इंक्रीज हुई है। पहले यहाँ पर जो है 2 करोड़ ITR, 3, 4, अब यहाँ पर जो है 5 करोड़ ITR अप्रोक्सीमेटली जो है प्रोसेस हो चुकी हैं। और जो ये वेरीफाइड नंबर्स हैं ये भी इंक्रीज हो चुके हैं। तो जो भी SSC है अभी तक जिन्होंने ITR वेरीफाई नहीं की उनके लिए भी अलर्ट मैसेज है। ये अप्रोक्सीमेटली टोटल ITR फाइल हुई थी इस साल के लिए, असमेंट 24-25 के लिए, जिसमें कि 7 करोड़ 41 लाख अप्रोक्सीमेटली ITR फाइल्ड हैं। और 7 करोड़ यहाँ पर अभी जो है यहाँ पर 7 करोड़ 9 लाख लोगों ने ही ITR को वेरीफाई किया, यानी कि अभी भी आप यहाँ पर देख रहे होंगे नंबर्स जो हैं काफ़ी हाई हैं। अप्रोक्सीमेटली 30 ले लेते हैं यहाँ पर जो है ऐसे पर्सन से अभी भी जिन्होंने ITR को वेरीफाई नहीं किया। और ITR प्रोसेसिंग हो चुकी है। अभी मैं यहाँ पर आपको लॉग इन करके दिखाऊंगा। आज ITR 2 और 3 का केस यहाँ पर कवर करेंगे, ITR 4 भी कवर कर लेंगे। सबका एक बार मैं आपको दिखा दूंगा कि किस टाइम पर ITR फाइल हुई है और कब तक प्रोसेस हो गई है, तो उससे आपको आइडिया मिल जाएगा कि आपकी ITR कब फाइल हुई थी और कब प्रोसेस होना जरूरी है उसके लिए। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो उसके लिए फिर आपको जो है एक बार ITR को चेक कर लेना है। अगर आपने टाइमली ITR फाइल कर दी थी 31 जुलाई तक, तो आप अभी उसको अगर रिवाइज करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई लेट फीस पेनल्टी नहीं लगने वाली है। मैं यहाँ पर पहले लॉग इन कर लेता हूँ एक पैन नंबर के थ्रू। लॉगिन करने के बाद आपके सामने जो पेज है वो कुछ इस तरीके से आ रहा होगा। यहाँ पर मेरे पास ऐसे मैसेज भी आए थे कि सर ये भी दिखा देना कि कितना इनका रिफंड बना हुआ था। ठीक है, तो डैशबोर्ड पर पहले मैं आपको रिफंड ही दिखा देता हूँ कितनी अमाउंट का रिफंड था। तो इस केस में जो रिफंड था वो 12,880 रुपीज का था। ठीक है, और ये 25 जुलाई को ITR फाइल हुई थी, 27 जुलाई को वेरीफिकेशन में गई है और यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा है, यानी कि ये ना तो प्रोसेसिंग वाली टैब है ना ही प्रोसेस ऑन पर क्लिक आ रहा है। अब मैं आपको ITR का स्टेटस एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ से मैंने ITR जब क्लिक की तो यहाँ पर 25 जुलाई को ITR भरी हुई है, 27 जुलाई तक सक्सेसफुली ई वेरीफाइड लिखा हुआ रहा है। ITR 4 का एक केस है, आपको भी इसी तरीके से चेक करना है। काफ़ी सारे ऐसे पर्सन होंगे जिनकी यहाँ पर सक्सेसफुली ई वेरीफाई आ रहा होगा तो वो लॉग आउट कर देते होंगे। नहीं, आपको जो है रिफंड स्टेटस में जाकर चेक करना है। इस केस में क्या है कि ITR प्रोसेस हो गई है, रिफंड भी चला गया है। अभी मैं देखिए यहाँ पर जो है असेसमेंट है 24-25 सबमिट पर मैंने क्लिक किया, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये जो रिफंड है डेट ऑफ स्टेटस 12 अगस्त है और यहाँ पर जो है योर रिफंड हैज़ बीन प्रोसेस्ड बाई द रिफंड बैंकर, SBI इनका रिफंड बैंकर है। 12 अगस्त को प्रोसेस हुआ है, 12 अगस्त को इन्होंने UTR नंबर भी प्रोवाइड कर दिया। इस पर्टिकुलर डेट में UTR नंबर पेड आ गया। तो ये था पहला केस जहाँ पर ITR 4 को जो है फाइल किया गया है। अप्रोक्सीमेटली आप अगर लगा लें तो 15 डेज के अंदर अंदर यहाँ पर जो है प्रोसेसिंग यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। एक चीज़ मैं आपको कन्फर्म कर देता हूँ, यहाँ पर काफ़ी बार क्या होता है वो स्टेटस लिखा हुआ नहीं आता है कि आपके ITR जो है प्रोसेसिंग हुई है, इंटीमेशन ऑर्डर भी आपको रिसीव नहीं होगा, लेकिन डायरेक्ट रिफंड भी जा रहे हैं इस बार। तो जो भी आपका बैंक अकाउंट है उसमें एक बार आप एंट्री चेक कर लें, पासबुक जो है या बैंक स्टेटमेंट है वो अपडेट करके एक बार चेक कर लें। ठीक है, अगला केस यहाँ पर कवर करते हैं। यह है नेक्स्ट केस, यहाँ पर ITR 2 फाइल हुई थी। पहले मैं आपको रिफंड का अमाउंट दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो है रिफंड का अमाउंट था 59,932। ठीक है, अप्रोक्सीमेटली 60,000 का रिफंड था। 25 जून को ये फाइल हुई थी और यहाँ पर जो है 14 अगस्त यानी कि 14 अगस्त को प्रोसेस हुई है। तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेटली मान के चलिए यहाँ पर जो है इन्होंने 50 डेज अप्रोक्स ले लिए हैं। 50 डेज यहाँ से समझिएगा, जून के हो गए पूरा, यहाँ पर जो है जुलाई चला गया है और 14 डेज इन्होंने यहाँ पर ये भी ले लिए हैं। अब इसका स्टेटस भी आपको दिखा देता हूँ, सेम स्टेटस भी यहाँ पर अपडेट है और यहाँ पर प्रोसेसिंग की जो है मैसेज भी आ रखा है, डाउनलोड इंटीमेशन का ऑप्शन भी आया हुआ है। जो इनका रिफंड है वो 16 अगस्त को भेजा गया है। इससे पहले जो मैंने वीडियो बनाया था वहाँ पर जो है 13 और 14 को भेजे गए थे रिफंड काफ़ी सारे। अब यहाँ पर जो है 16 अगस्त को यानी कि 15 से नेक्स्ट डे में भी काफ़ी सारे रिफंड जो है भेजे गए हैं। आप एक बार अब चेक कर ले रिफंड आया है या नहीं आया है। इन्होंने इस केस में भी अकाउंट नंबर दिया हुआ है, UTRN नंबर दिया हुआ है, स्टेटस पेड आर है। तो मैंने आपको ITR 4 का दिखा दिया, ITR 2 का भी दिखा दिया। मैं आपको यहाँ पर ITR 3 और ITR 1 के भी दिखा देता हूँ, आपको अंदाजा लगेगा किस दिन में मतलब कितना टाइम लग रहा है इस बार ITR प्रोसेस होने में, अगर सब कुछ ओके है तो। और अगर इतने टाइम में आपकी ITR प्रोसेस नहीं हो रही है तो उसमें जरूर कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, वो आपको चेक करना पड़ेगा। अभी मैं यहाँ पर वो भी बता दूंगा आपको क्या क्या चेक करना है। अब यहाँ पर ITR 3 का केस देखिएगा, पहले मैं आपको रिफंड दिखाता हूँ कितने अमाउंट का रिफंड था। तो यहाँ पर जो रिफंड है वो 26,900 का रिफंड है।
22 जून को ही फाइल की गई थी और 13 अगस्त यानी कि अप्रोक्सीमेटली इसमें भी यहाँ पर जो है इतने डेज यहाँ पर ले लिया इन्होंने, 50 डेज आप अप्रोक्सीमेटली लेकर चलिएगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है टाइम लग रहा है 50 से 60 डेज, जैसे मैंने आपको पहले बताया था। ITR दिखा देता हूँ, ITR जो है ये 3 है, ITR 3 का ही केस है, ये 22 जून को फाइल हुई थी और 13 अगस्त को प्रोसेस हो गई है। तो अलग अलग डेट की मैंने आपको ITR दिया, एक 12 में हुई है, एक 13 में हुई है, एक यहाँ पर 16 में प्रोसेस हुई है। रिफंड जो है डायरेक्ट अकाउंट में क्रेडिट हुआ है, SSC ने जो है कंफर्म किया है कि उनका जो रिफंड है वो आ चुका है। तो देखिए यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करेंगे, सेम इसमें भी ये आ रहा है कि आपको जो रिफंड है प्रोसेस होकर ये बैंक अकाउंट नंबर है उसमें 16 अगस्त को वो भेज दिया गया है। तो आप ये भी देखिएगा कि ITR प्रोसेस होने में कितना टाइम लग रहा है। एक बार जो प्रोसेस हो रही है विद रिफंड ड्यू, यानी कि 13 अगस्त को प्रोसेस हुई विद रिफंड ड्यू, और 16 अगस्त को यहाँ पर स्टेटस अपडेट हो गया कि 16 अगस्त को इन्होंने जो है प्रोसेस भी कर दिया है। ये ITR 3 का केस है। अब ITR 1 का भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर जो है ITR 1 मैंने ओपन करी हुई है। अब ITR 1 के केस में मैं पहले आपको रिफंड दिखा देता हूँ कितने अमाउंट का रिफंड था। तो इस केस में यहाँ पर जो है 33,000 अप्रोक्सीमेटली रिफंड था। 19 जून को फाइल की गई है, 19 जुलाई को ये फाइल की गई है और 21 जुलाई यानी कि 21st ऑफ जुलाई को ये प्रोसेस हो गई है। और इसमें जो रिफंड था 33,000 का था, ये मैं आपको दिखा दिया। रिफंड का स्टेटस भी एक बार दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो ITR 1 और 4 है उनमें तो ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 22 जुलाई को यानी कि नेक्स्ट डे में जो है ये रिफंड बैंकर को जो है भेज भी दिया गया है और रिफंड जो है SSC के अकाउंट में क्रेडिट भी हो गया है। तो मैंने आपको सारे केस दिखा दिए यहाँ पर, ITR 1, 2, 3, 4 सारे केस यहाँ पर अवेलेबल हैं। अब आपको फटाफट से चेकिंग कर लेनी है। क्या चेक करने की रिक्वायरमेंट है? सबसे पहले पेंडिंग एक्शन में जाकर कोई पुरानी डिमांड तो नहीं है। अगर पुरानी डिमांड आपकी है तो पहले उससे अमाउंट एडजस्ट होगी, उसके बाद रिफंड आएगा। हो सकता है आपके अकाउंट में क्रेडिट ना हो, पहले उससे डायरेक्ट एडजस्ट हो जाएगा। वर्क लिस्ट में जाकर यहाँ पर वर्क लिस्ट में एक बार देख लीजिएगा। कुछ लोगों से यहाँ पर जो है इस बार जो है वो उनके इन्वेस्टमेंट प्रूफ भी मांगे गए हैं। जैसे आपने सैलरी में डिडक्शन क्लेम कर लिया तो उनके प्रूफ यहाँ पर आपको अटैच करके देने पड़ेंगे और वो यहाँ पर स्पेशली आएगा। ई प्रोसीडिंग्स के अंदर में एक बार चेक कर लीजिएगा कि आपकी कोई ITR जो है वो डिफेक्टिव तो नहीं हो गया। अगर ITR डिफेक्टिव है तो फिर उस केस में आपको करेक्ट ITR भरनी पड़ेगी। ITR 1, 2, 3, 4 सबके लिए आप डिफेक्टिव ITR को करेक्ट कर सकते हैं। मैंने यहाँ पर रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था, आप इसको देखकर एक बार प्रोसीड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्या है? ग्रीवेंस। हालांकि ग्रीवेंस का जो है यहाँ पर इस बार जो रिप्लाई है वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी आपको जो है ग्रीवेंस डालना है ताकि जो आपकी ITR है उसमें ये तो आपको पता लगे एटलीस्ट कि कितना और डिले हो सकता है। तो अगर प्रोसेस नहीं हो रही है, प्रोसेसिंग पे क्लिक करके और यहाँ से डिटेल्स अदर सेलेक्ट करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है और ये असेसमेंट ईयर यहाँ पर सेलेक्ट करते हुए लिख देना है। वहाँ से जो रिप्लाई आते हैं इस बार काफ़ी ऐसे आ रहे हैं, कॉपी पेस्ट रिप्लाई भेज रहे हैं वो, लेकिन फिर भी आपके यहाँ पर जो है सबमिशंस तो जा ही रही है, यूनिक नंबर भी जनरेट होगा। इस तरीके से अगर काफ़ी सारे मैसेज या ग्रीवेंस जाते हैं तो डिपार्टमेंट की तरफ से एक्शन भी ले जाता है कि इसको रिजोल्व किया जाए। ठीक है, इसका आपको कम्युनिकेशन मिल जाएगा। एक और रीजन भी है यहाँ पर, अपने AIS 26S को एक बार चेक कर लीजिएगा। व्यू 26S में कोई ऐसी एंट्री तो ऐड नहीं हो गई है जिसकी वजह से आपकी जो इनकम है वो कम डिक्लेयर हुई हो, तो एक बार देख लीजिएगा। सैलरी वाले केसेस में काफ़ी सारे ऐसे मैसेज आ रहे हैं कि उन्होंने जो है प्रॉपरली अपनी जो इनकम थी वो वहाँ पर शो नहीं की है। तो एक बार AIS को चेक कर लें, अगर गलत उसमें आपने इन्फॉर्मेशन दी है तो उसे रिवाइज कर दें। ITR रिवाइज करने पर कोई भी लेट फीस पेनल्टी नहीं लगेगी। यहाँ पर AIS के भी ऑप्शन दिया रहता है, उसको भी एक बार आप चेक कर लेंगे तो उसमें पता लग जाएगा कोई ऐसी इनकम तो नहीं आ रही, और फिर उस पर फीडबैक भी सबमिट करना है। ऐसा नहीं है कि गलत इन्फॉर्मेशन को आपको यहाँ पर रिपोर्ट करना ही करना है, आपको ये देखना है कि वो इन्फॉर्मेशन आपसे रिलेटेड है या नहीं है। अगर आपसे रिलेटेड नहीं है तो उसका फीडबैक सबमिट कर दें और जहाँ से वो सोर्स एजेंसी है वहाँ पर भी कम्युनिकेट कर दें कि ये डिटेल्स जो है आपके AIS में या 26S में गलत आ रही है। ठीक है, जो भी फाइलर्स हैं यहाँ पर, जैसे मैंने बताया स्लोट वाइज ITR प्रोसेस हो रही है, तो आपको टेंशन लेने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। धीरे धीरे के सारी करके यहाँ पर जो ITR प्रोसेस की जा रही है। अभी यहाँ पर जो है ये जो मैंने आपको दिखाया था स्टेटिक्स में 5 करोड़ प्लस ITR जो है प्रोसेस हो चुकी हैं। तो अगर आपने सही ITR भरी है तो आपको कोई एक्शन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप बस वेट करिएगा। हाँ, एक पॉइंट आता है बैंक वैलिडेशन का। जैसे मैंने पहले वीडियो में बताया था काफ़ी सारे बैंकों में क्या हुआ है, वो बैंक इनएक्टिव था तो वो प्रोसेस नहीं हो पा रहा था, तो आपको बैंक भी वैलिडेट कर देना है। यहाँ पर माई प्रोफाइल में जाकर एक ऑप्शन आता है बैंक वैलिडेशन का, मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर आपको। यहाँ पर जो है बैंक वैलिडेशन इस तरीके से होना चाहिए, वैलिडेटेड एंड EBC एनेबल एलिजिबल फॉर रिफंड, मेल ID, मोबाइल नंबर, अगर लिंक भी नहीं है मतलब जो आपके बैंक में लिंक है वही आप यहाँ पर माई प्रोफाइल में अपडेट कर दीजिएगा, ये तो ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर वैलिडेटेड होना जरूरी है और एलिजिबल फॉर रिफंड, और यहाँ पर देख लीजिएगा कोई ऐसा अकाउंट तो नहीं है जो कि यहाँ पर बंद हो रखा हो, तो उसको यहाँ से रिमूव कर दीजिएगा। ठीक है, इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। ऐसे काफ़ी सारे और एग्जांपल्स हैं, अभी लेटेस्ट वीडियो आने वाले हैं। जैसे जैसे ITR प्रोसेस होती जाएगी मैं आपको बताता जाऊंगा कि इतने टाइम में ITR 1 प्रोसेस हुई है। किसी किसी केस में ITR 1 में भी थोड़ा ज़्यादा टाइम लग गया है, लेकिन ITR 1 और 4 वाले जो भी केसेस हैं उनमें रिफंड प्रोसेस किए जा चुके हैं
राइट ईयर 2 और 3 में भी यहाँ पर जो है स्टेटस जैसे यहाँ पर शो कर रहे हैं, तो स्लोट्स में जो है वो रिफंड प्रोसेस किए जा रहे हैं। बाकी जो मैंने एक्सचेंज बताए हैं आप ये ले सकते हैं, अदरवाइज इसके अलावा किसी अदर वेबसाइट पर या फेक किसी भी लिंक पर क्लिक करके या ईमेल कोई आ रहा हो तो उस पर कोई रेस्पॉन्ड नहीं करना। इस वीडियो को शेयर जरूर करें, और यहाँ पर जो मैंने वीडियो अपलोड किए हैं डिफेक्टिव ITR वाले और जो रिवाइज ITR वाले वो एक बार देख लीजिएगा, आपको उससे काफ़ी हेल्प मिलेगी अपने ITR को सही फाइल करने में। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कुछ भी अगर गलत नहीं है फिर कोई एक्शन आपको नहीं लेना है, आप आराम से वेट करिएगा, आपका जो रिफंड है प्रोसेस हो जाएगा। यहाँ पर जो है बेलेटेड रिटर्न या रिवाइज रिटर्न करने की जो लास्ट डेट है 31st of December है, तो अभी भी काफ़ी टाइम है आपके पास, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि आपका ये रह जाएगा। ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।